मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए बात करेंगे झारखंड हाई कोर्ट में आप किस प्रकार की एक रणनीति को फॉलो करेंगे और एक राइट वे में, एक स्मार्ट वे में, और जो एक स्टैंडर्ड है झारखंड हाई कोर्ट की। और देखिए झारखंड हाई कोर्ट ही नहीं, जितने भी स्टेट के हाई कोर्ट का पेपर होता उस लेवल पे आपको तैयारी करके जाना हो, क्योंकि इसका पेपर आउट होता नहीं है, आउट इन द सेंस की क्वेश्चन पेपर लाने नहीं मिलता। तो देखिए मैथ्स और रीजनिंग में आपको 30 सवाल, यानी कि 15 मैथ्स 15 रीजनिंग, 30 मार्क्स का आपको होगा इंग्लिश का। लेकिन 30 मार्क्स में आपको 30 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा और एक क्वेश्चन आपका होगा निबंध जिसमें लिखने होंगे, और उस निबंध के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और फिर आपके 30 क्वेश्चन के सवाल जो बनेंगे वो जीके के पोर्शन से बनने वाला। तो सबसे पहले आते हैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करते हैं। देखिए एक तो पहली चीज ये रखिए कि जो झारखंड हाई कोर्ट का जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का, एक अच्छा स्टैंडर्ड वहां पे मेंटेन किया जाएगा, पहली बात तो ये क्लियर रखिएगा। अब दूसरी बात कि मैथ्स और रीजनिंग को आप एसएससी सीजीएल का जो लेवल होता है, मेंस अप टू मेंस का जो लेवल है, उस लेवल पे आप तैयारी करके जाइए। देखिए ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं, उससे नीचे ही रहेगा लेवल, लेकिन आप यहां पर 30 में 30 कर पाइएगा। और यहां 30 में 30 करना इन द सेंस कि जो आपका हाईकोर्ट में जो जीके का जो पोर्शन का जो सवाल है ना, बड़ा ही उटपटांग होते हैं वो, तो वहां से आपको राहत यही मैथ्स और रीजनिंग, और हर एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग ही आपका सिलेक्शन दिलवाता है, ये तो भाई फैक्ट है, आपको मानना ही पड़ेगा। तो यहां आपको 30 में 30 30 करना है, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी भी यहां पर कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो फिर दिक्कत होगा। तो बाकी जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, 30 में 30 करना है, मैथ्स में 15 और मैथ्स रीजनिंग में 15 सही करना, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम लोगों ने कोर्स भी दिया है मैथ्स और रीजनिंग को कंबाइन करके, एकदम मिनिमम फी में आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा, आपको मिल जाएगा झारखंड हाई कोर्ट के लिए। केवल मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे कम आपको फी में मैथ्स और रीजनिंग मिल रहा है तो वही बेस्ट है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जितना मेहनत सर ने किया है, लक्ष्मण सर ने, उतना अगर आप करते हैं तो आप एकदम 100% के 30 में 30 सही कर लेंगे झारखंड हाई कोर्ट के पेपर में मैथ्स और रीजनिंग को। अब बात कर लेते हैं, देखिए बाकी आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं आप, या फिर कहीं से भी आप इनरोलमेंट ले सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन डेडिकेटेड अगर आपको करना है मैथ्स और रीजनिंग को एक अच्छे स्टैंडर्ड पे, इसके अलावा भी आप झारखंड में किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो फिर मैथ्स रीजनिंग को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पूरे झारखंड के जितने एग्जामिनेशन को कंबाइन करके ही हम लोगों ने कोर्स को लॉन्च किया था। तो देखिए मैथ्स और रीजनिंग में मैं सीधा कहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ करके पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश को आप कैसे तैयार करेंगे। 30 मार्क्स का आपको 20 में आप 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और एक आपको ए से लिखना है। तो 20 सवाल को आप कैसे तैयार करेंगे, तो आप देखिए 20 में आपको पूरा ग्रामर पढ़ना है। ग्रामर में आपको पूरा नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव, आपको डायरेक्ट स्पीच हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, फिर आपको आपके पैसिव वॉइस हो गए, एक्टिव वॉइस हो गए, फिर उसमें पैराग्राफ, फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर, ये सब सब कुछ। फिर आपको इसमें वर्ड पावर लिखा गया है, मेंशन किया सिलेबस में। तो इसमें आपको सबसे पहले पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग करेक्शन भी आपको कंप्लीट करने होंगे। तो बेस्ट सोर्स सबसे अच्छा, देखिए मैं तो एक बताऊंगा, एसपी बख्शी की किताब आती है इंग्लिश की, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है उसका। ये आपको ग्रामर पोर्शन के लिए मैं बतला रहा हूँ। और वोकेब्स के लिए दो बुक फॉलो करिए, कि नीतू मैम की बुक्स आती है केडी कैंपस के पब्लिकेशन से, उसको लीजिए, और ब्लैक बुक का वो बुक आता है वोकेब्स का, सारे एसएससी के वहाँ पे कंपाइलेशन होंगे, एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे। तो देखिए इसमें तो आपका मेनली पूरा एसएससी का कंपाइलेशन होता है, यानी कि एसएससी के जितने पूछे गए वो पूरा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ मिलेंगे। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ कुछ आपको देखिए हाई कोर्ट में कुछ अच्छे स्टैंडर्ड के आपके वन जो वर्ड पावर पे क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार 18 की बात करें, 2018 की, तो इसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो न्यूज़पेपर रीडिंग करने की कोशिश करिएगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब देखिए जरूरी नहीं कि पर डे आप न्यूज़पेपर, जरूरी नहीं है, आप एक सप्ताह में एक न्यूज़पेपर खत्म करिए, लेकिन उसके जो अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के जो वर्ड आपको मिलेंगे साइनो एंटो उनका कर लीजिएगा, और उससे आपका एसे भी आपका रेडी हो जाएगा। उससे आपका एसे रेडी कैसे होगा, जो हाईलाइटेड टॉपिक हो गए, काफी ज्यादा डिमांडेड टॉपिक है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और आपको आप उसको एसे में लिख पा रहे होंगे। तो ये इतना अगर आप इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश के अभी हमारे पास ऐसे फैकल्टी नहीं मिले हैं, अदरवाइज मैं आपके लिए इंग्लिश का भी कोर्स जरूर लाता। नेक्स्ट आपका जीके, तो देखिए जीके का यहाँ पर जो आप झारखंड हाई कोर्ट की बात करें तो बड़ा कुछ उटपटांग सा सवाल यहाँ बनते हैं, मतलब खास करके फैक्चुअल ऐसी चीजें को पूछा जाता है। 30 में 8-10 सवाल देखा गया था जो मतलब कि बनाया जा सकता था। इसके अलावा 20 सवाल या 18 सवाल ऐसे हैं जो मतलब कि जिसके हाथ ना पांव होते ना, उस तरह के सवाल थे।
तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत है तैयारी करना, इसलिए कह रहे हैं कि मैथ रीजनिंग और इंग्लिश को इतना अच्छा पकड़ बनाइए कि यही आपका फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। अब जीके में बस उतना ही करके हमें जाना है, जितना हमें आएगा बस उतना ही टिक करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं। बाकी इस बार का पेपर में क्या जीके में चेंज किया जाता है कि वाकई सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें पूछी जाएगी उस पर देखा जाएगा, इसलिए जीके की बैच हमने लॉन्च नहीं किया। हालांकि जीके का क्लास मैं ले सकता हूँ, लेकिन नहीं करने का रीजन यही है क्योंकि इतने उठपटांग क्वेश्चन, और जब मैं पढ़ाऊं और वहां से क्वेश्चन आए तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है कोई भी बैच देने से, ठीक है। तो ये आपके पास, आपके अच्छे पास, आपके पास अभी टाइम भी है एग्जामिनेशन के लिए, कम से कम 6 महीने का आप समय लेकर चलिए कि आपके पास 6 महीने का समय कम से कम मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको एक ये डाउट है कि जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा कैसा होगा, मतलब इंग्लिश में ही सारा क्वेश्चन होगा? तो जी बिल्कुल, मैथ्स में भी आपको केवल इंग्लिश में ही क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग में भी इंग्लिश में मिलेंगे, जीके में भी इंग्लिश होंगे, और इंग्लिश तो इंग्लिश ही होगा। लेकिन देखिए इसमें पूरा कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ मैं अपने अकॉर्डिंग बतला रहा हूँ कि पूरी लैंग्वेज इंग्लिश में ही क्वेश्चन भी मिलेगी आपको, बाकी हो सकता है हिंदी में मिल जाए क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने मेंशन नहीं किया है, और बाकी अब वो बाद में ही पता चल पाएगा। और कोई भी ऐसे स्टूडेंट मुझे मिलते हैं, उनसे कांटेक्ट होता है जिन्होंने पेपर पिछले बार दिए थे, 18 की ये पेपर है, तो फिर मैं आपको और भी डिटेल बताऊंगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इंग्लिश में ही ये सारा होगा, तो मैथ्स और रीजनिंग पूरा बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी सर रखे हैं और इंग्लिश दोनों में रखे हैं। बाकी कल का प्रैक्टिस सेट जरूर अटेम्प्ट करिएगा, एक स्टैंडर्ड आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने इंग्लिश के लिए बुक भी बता दिया है, बाकी देखिए जीके के लिए बहुत सारे मार्केट में बुक है, फॉलो कर सकते हैं। हमने जैसे सीजीएल के लिए कैप्सूल सीरीज भी चलवाए थे, वो भी आप अगर करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट वो कंटेंट हिंदी में था तो इसीलिए उस पर आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, वो आप छोड़ दीजिए। आप अदरवाइज आप बहुत सारी बुक है आपके पास मार्केट में, बहुत सारी किताबें हैं जीके के लिए, उसको फॉलो कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी कि स्पॉन्सरशिप वगैरह चीजें हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जो मैंने इंग्लिश के लिए बताया बुक को फॉलो करिएगा, बहुत ही अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आंख बंद करके चीजों को कंप्लीट कर लीजिए। आपको अगर डेमो लेना है तो एप्लीकेशन में बहुत सारे वीडियो, 5-6 वीडियो फ्री रखा है हमने, उसको आप वहां से कंप्लीट देख सकते हैं कि क्या टेक्निक है सर की, स्टैंडर्ड बेसिक से एकदम अप टू हाई लेवल के हम लोग। और बाकी आप जो भी इंटरेस्टेड हैं आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कमेंट सेक्शन में भी। और कोई भी डाउट है, कोई भी बात है अगर करनी है कोर्स के रिगार्डिंग या एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दिया है, ठीक है। दैट्स ऑल। और बात फिर यहाँ पर टाइपिंग की आती है, तो देखिए 100 वर्ड जो है आपका इंग्लिश में हो सकता है या फिर हिंदी, ठीक है ना, तो दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। ये भाई क्लैरिफिकेशन नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में, इसलिए ये डाउट है, बट जहां तक लगता है कि या तो आप इंग्लिश में 100 वर्ड टाइप करिए या फिर हिंदी में टाइप करिए, यही होना भी चाहिए, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल, वीडियो को ये एंड करते हैं कि स्ट्रैटेजी बनाकर के इस तरह से चलिएगा, टारगेट रखिए मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश को एक अच्छा पकड़ बनाने की, यहाँ पर हमें 100% करना है, ये बस माइंड में रखना है। बाकी जीके को थ्रोली आप पढ़ते चलिए, जितना फैक्चुअल चीजें हैं उस पर आप काम करते चलिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं, बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी अपडेट वहां पर भी मिलते रहती है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।